गाइज, अभी से थोड़ी देर पहले हमारे पास में एक बहुत बड़ा अपडेट पहुंचा है, बहुत शॉकिंग, बहुत पेनफुल है। नैनीताल के एक नवोदय स्कूल में कोरोना ब्लास्ट हो गया है। वहां पे 85 स्टूडेंट्स प्लस 11 जो स्टाफ हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। गाइज, ये हम लगातार बात कर रहे थे कि इस बार ओमिक्रॉन जो है वो डॉक्टर्स लगातार बता रहे हैं ये अलग टाइप का वेरियंट है कोरोना का, और डेल्टा से ये काफ़ी डिफर करता है, और इसके जो जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही अजीब हैं। वैसे गाइज, मैं आपको बता दूँ कि नैनीताल के नवोदय स्कूल में ये पूरा मामला निकल करके आया है। 450 स्टूडेंट वहाँ पे हैं और अब तक 85 स्टूडेंट्स प्लस 11 स्टाफ पॉजिटिव मिल चुके हैं। इवन जो प्रिंसिपल हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। 70% बच्चों में जो वहाँ पे सिम्टम्स दिखा था वो बुखार, खांसी, नाकबंद से ही यही सिम्टम नज़र आया था, जो कि आमतौर पे उसे लेमन लैंग्वेज में कोई उतना सीरियसली नहीं लेता है। गाइज़, यहाँ पे अभी जो मामला निकल कर के आ रहा है वो बहुत शॉकिंग है। अब ये चीज़ को देखते हुए और जो अभी रिसेंट अपडेट सुबह से हमारे पास में है उसको देखते हुए ये बहुत शॉकिंग है कि इस तरह से क्या एग्ज़ाम कंडक्शन, टर्म टू का एग्ज़ाम कंडक्शन क्या हो पाएगा। वैसे गाइज, मैं आपको बताऊं कि अभी डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो टर्म टू एग्ज़ाम होने से सब बोर्ड्स ने, आपको पता होगा, सारे बोर्ड्स ने दो बोर्ड एग्ज़ाम का इस बार फैसला लिया था, जैसे कि सीबीएसई ने किया है टर्म वन टर्म टू, लेकिन अब सारे बोर्ड्स जो हैं वो एक बार पीछे सोच में आ गए हैं। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो लोग भी सोच में आ गए हैं कि क्या ऐसे वे में एग्ज़ाम कंडक्शन करवाना क्या सही रहेगा, बिकॉज इस वक्त जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो डॉक्टर्स के मुताबिक होनी चाहिए बच्चों का, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं इस चीज़ के लिए, ये हम सभी जानते हैं। तो बहुत शॉकिंग है गाइज। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई इस बार, जैसा कि आपको पता है, दो तरह के क्वेश्चन पेपर्स के साथ में एग्जाम कंडक्ट करने के मूड में है टर्म टू को, जो सबको पता है 100% एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ रहा है और या फिर एक होगा 100% ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा गाइज, इस पर हमने लगातार काफ़ी एक्सपर्ट से बात किया है, लगातार हमारी टीम बात कर रही है कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं और जिससे कि हम आपको गाइड कर सकें। और गाइज, अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। जैसे कि हम सभी को पता है कि गाइज, अब हम लोग एक नए साल में हैं, तो इस आने वाले समय में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं जिसे आपको ग्रैब भी करना है, और कह सकते हैं कि नेक्स्ट 65 डेज जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। बट नो नीड टू वरी यार, अनअकैडमी इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल इन अचीविंग ऑल योर ड्रीम्स। तो गाइज, इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है 22% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर आप 1st of January से 3rd January के बीच में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, फिर चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको मिलेगा इंस्टेंट 22% ऑफ। बस आपको यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल क्यार को। तो इजंट इट ग्रेट, आपके सपनों को अचीव करने में ये बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकता है, तो जल्दी से इसे आप कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 ड्रॉपर्स या IIT JEE के एस्पिरेंट हैं, नीट के एस्पिरेंट हैं, तो गाइज आपके लिए अनअकैडमी is going to host Unacademy Prodigy Talent Reward Examination on 23rd January. Guys, it's a great thing. ये बहुत बड़ा चीज़ है guys. Unacademy Prodigy, मैं आपको बता दूं, एक free All India Level Mock Test है। इसमें हर एक participant को मौका मिलेगा Education for Life तक जीतने का. It's a great thing. Top scorers can win स्कॉलरशिप्स अप टू 100%, यानी कि आपको बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन है, आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट्स है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट हैं ये होने वाले हैं 23rd, 29th January को और 6th and 13th February को। तो गाइज, आपको इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल करना चाहिए। यूज माई रेफरल कोड विशाल KR एंड यू ऑल कैन विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स रिवॉर्ड्स इन एवरी लेवल, इन एवरी टेस्ट। हर टेस्ट में आपको बहुत सारी चीजें जीतने का मौका मिलेगा। आप मैकबुक जीत सकते हो, एप्पल आईफोन जीत सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड एनरोल। यूज करना है बस आपको मेरा रेफरल कोड विशाल KR, यूज कीजिए और इस ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट जो है ये, इसका आप हिस्सा बनिए। साथ ही साथ गाइज, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो और मेरे रेफरल कोड विशाल KR को यूज करते हो, तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। और गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके अभी जो हम बात कर रहे थे उस पर। यहां पर अभी जब ये मामला चल ही रहा है, तब मैं आपको बता दूं कि चेन्नई में भी, डिफरेंट स्टेट्स में आप लोगों को लगातार अपडेट दे रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में वहां की CM जो है ममता बनर्जी, वो पहले बोल चुके हैं कि वो बच्चों के लाइफ को खतरे में नहीं डालेंगी, पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। चेन्नई में भी जो स्कूल्स हैं उनको, कॉलेजेस को क्लोज कर दिया गया है टिल 31st January। अब आप सोचो कि 2 महीना बचे हैं एग्जाम में, और जिसमें से अगर किसी भी, पूरे स्टेट्स में वैसे 15-20 जनवरी तक तो स्कूल क्लोज किया ही गया है, ठीक है, लेकिन अगर
15-20 जनवरी या जैसे कि चेन्नई में पूरा का पूरा 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया, तो आखिरकार बच्चों का प्रिपरेशन कैसे होगा। और जो अक्सर जो सीबीएसई कहती है कि भाई ऑनलाइन वे में क्लासेस बच्चों का कंडक्ट करवाया जाएगा, हाइब्रिड मोड जिसे कहा जाता है, तो गाइज यहाँ पे ऑनलाइन वे में अगर एग्ज़ाम कंडक्शन होता है तो मामला तो वहीं का वहीं है ना, कि अगर बच्चे एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन का इशू है या डेटा का इशू है या नेटवर्क का इशू है या बहुत सारे बच्चों के इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनके फादर्स की उनके पेरेंट्स की अच्छी नहीं है, तो फिर अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं वो कंडक्ट कर सकते उस चीज़ में, तो ऑनलाइन क्लासेस पे भी तो वही चीज़ लागू होता है। अभी जो स्कूलों का एक नया जो पहले से एक मुद्दा बना आ रहा है स्टूडेंट्स का कि भाई 2 महीने के कम समय में वो पूरे सिलेबस को 50% सिलेबस को आखिरकार कैसे करें, तो एक सिलेबस रिडक्शन का मुद्दा बना हुआ है। और गाइज मैं आप लोगों से यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग भी चाहते हो कि टर्म 2 का सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जस्ट 2 मंथ्स बाकी हैं, ठीक है। और अगर हमने अभी से इस बात को रेज नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है सीबीएसई इस बारे में सोचने वाली है। अगर हमें सिलेबस रिडक्शन करवाना है तो हमें अभी से ही इस बात को रेज करना होगा, आपको हमें मिल करके तभी जा करके कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी। लेकिन गाइज अभी जो सीनारी जो पूरा सिनारियो बन रहा है वो एग्ज़ाम कैंसिलेशन की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के जिस तरह की स्थितियां निकल करके आ रही हैं, भले ही बच्चों को वैक्सीनेशन दे दिया जाए लेकिन मैं खुद अपने ही बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि दिल्ली गुड़गांव ये सब जगहों पर रहते हैं, और उन लोगों का साफ साफ कहना है कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं सेंड करना चाहते, भेजना नहीं चाहते, भले ही ऑनलाइन वे में जैसा क्लास हो ना हो जो भी हो, बच्चे जो हैं बच्चों के ऊपर में पेरेंट्स रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला और कुछ चीज़ में बढ़ नहीं रहा है। जो मैंने कल भी रात को बात उठाया था कि न्यू मार्किंग स्कीम कहीं फिर से ना लागू करना पड़े, कहीं उनके लिए फिर से कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें निकल करके ना आए। वैसे आप क्या सोचते हो एग्ज़ाम के बारे में ये आप मुझे बताओ, और सिलेबस रिडक्शन के बारे में क्या सोचते हो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो हम शाम को आपके साथ में कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ में आएंगे, तब तक के लिए दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।